आकाश मजा आ गया क्या, मतलब दिल खुश हो गया इन दोनों की बैटिंग देख के, हार्दिक और रविंदर की। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि ये भी मतलब पहले जो था वो दिल टूटा, फिर दिल जोड़ने का इन दोनों ने बहुत प्रयास किया और 300 के पार ले गए। 300 से शायद थोड़ी सी और बेहतर पिच थी, अगर और बैटिंग अच्छी होती तो 330 तक बन सकते थे, पर 300 के ऊपर तो गए हैं। तो उम्मीद यही है कि यहाँ से लड़ाई हो सकती है, बट हार्दिक पांड्या की तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि शायद जो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे बहुत लंबे समय से, तो जो बैटिंग का सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड किया, उसको अपडेट किया और प्रॉपर बैट्समैन की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो बार उन्होंने 90 के का आंकड़ा पार कर दिया, हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं श्रृंखला के, और जिस कंट्रोल के साथ बैटिंग किया, रन्स को अगर आप एक बार के लिए छोड़ भी दे, कमाल के कंट्रोल के साथ, पेस के सामने, स्पिन के सामने, बाउंसर्स आप इनके सामने लगा दीजिए, शायद कभी कमजोरी हुआ करती थी, इनको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है इस पूरी श्रृंखला में। आशीष ये बहुत अच्छा वर्ड जो यूज किया आकाश ने, कंट्रोल, क्योंकि हम हमेशा हार्दिक के बारे में सोचते हैं कि हिटर हैं, चौके छक्के लगाएंगे, पर आज बिल्कुल जैसे सिचुएशन को समझ समझ के बिल्कुल खेल रहे थे और पूरी गेम दिखाई इन्होंने आज। और देखिए आपने तो कभी कहा कि आज, मैं तो कहता हूँ इससे पहले भी इन्होंने बहुत बार ये झलकियां दिखाई हैं। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि वो आते ही अगर उनकी बारी आई है 30वें 35वें ओवर में और पहली बॉल से बड़े स्ट्रोक लगाने को देखते हैं, लगाने की फिराक में रहते हैं। उन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड करी, समय आते ही ये नहीं किया कि बड़े स्ट्रोक लगाएं, कि अगर उनको पता है कि पिच अच्छा है तो उन्होंने अपना समय पूरा लिया, सिंगल चलाया पहले थोड़ी देर और उनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। देखिए मारने की एबिलिटी तो उनकी है ही, कॉन्फिडेंस इस समय ऊपर है, जिस तरीके से मुंबई इंडियन के लिए बल्लेबाजी करी है, अगर गेंदबाजी भी और ऐड हो जाएगी तो क्या कहने, सोने पे सुहागा है। पर इस खिलाड़ी को अगर वो गेंदबाजी नहीं भी करते तो भी आप खिलाएंगे, क्योंकि उनके पास स्ट्रोक्स इतने हैं। ये जो एबिलिटी की जो आप बात करते हैं ना, कि कभी कभार गेंद उनके बल्ले के ना बिल्कुल नीचे लगती है टो पे, फिर भी छक्का हो जाता है, फील्ड से खेलते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मिड ऑन मिड विकेट की स्लॉगर है उधर ही मारने की तरह की कोशिश करते हैं, कवर्स मिड ऑफ के ऊपर भी बड़े अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लस है भारतीय टीम के लिए, अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें। और दूसरी तरफ सिर्फ एक ऐड करूंगा यहाँ पॉइंट की, पुराना हार्दिक पांड्या से 24 महीने पहले का हार्दिक पांड्या अगर वो आज खेल रहा होता तो जैसी एस्टन एगार और आपको जैम्पा के आखिरी के कुछ ओवर दिखते ना तो वो कहता चलो अभी छक्के लगा लेता हूँ, क्योंकि शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं था पेस के सामने। ये अबाउट 2 साल पहले की कहानी है। अब जो बदलाव आया वो ये है कि 43वां ओवर था, जैम्पा डाल रहे थे, उन्होंने कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं, आप आराम से ओवर डाल के निकल जाइए, मैं पेस को भी मार सकता हूँ उतने ही कंफर्ट के साथ। ये जो कंफर्ट आया है ये एबिलिटी में मेरे विचार में तो खासा अपग्रेडेशन हुआ है, कि आप पेस को भी उतने कंफर्ट लेवल के साथ, उतनी डोमिनेंस के साथ मार पा रहे हैं। और वो तो एक्चुअली बार बार बता रहे हैं कि 6 पे तो हूं ही, 5 पे भी किस दिन भेजना, कोई तो ज्यादा संकोच मत करना। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल है, राहुल नील के 5 से राहुल नील, राहुल तो ओपन भी नहीं कर सकते, राहुल सिर्फ 5 पे जाते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वही खिलाड़ी सक्सेसफुल होता है जो बेहतर होता जाता है। अप्स एंड डाउन जरूर आपके आते हैं, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको खेलना है, लंबे समय तक खेलना है, तो आपको बेहतर होना पड़ता है। चाहे आप किसी भी खिलाड़ी को देखिए, बड़े सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो बतौर बल्लेबाज आए थे उनकी बल्लेबाजी उतनी चल नहीं रही थी, उन्होंने गेंदबाजी और उसमें ऐड कर ली तो वो ज्यादा समय तक चले और फिर बल्लेबाजी भी बेहतर होती चली गई। या अगर अभी आप मैक्सवेल भी देखें कि आईपीएल में उन्होंने कुछ गेंदबाजी करी है पर आज भी उनको गेंदबाजी दी गई, वो एक अलग चल रही है आजकल सोच की, जब लेफ्ट हैंडर तो आप उनको करा दीजिए, पर वो एक प्लस पॉइंट है ना कि अगर कभी दो लेफ्ट हैंडर हैं, बड़ा ग्राउंड है तो आप करा सकते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको सक्सेसफुल होने के लिए कुछ ना कुछ चीज आपको ऐड करते रहनी पड़ती है, और खेलते जैसे जैसे आप जाएंगे आप और सीखते रहते हैं।